चले आप लोगों को फिर से एक बार सुरेंद्र टेक स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का मतलब होता है AbO RH। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए AbO माने कि AbO, AbO मतलब ब्लड ग्रुप होता है। उस तीनों किस्म होता है AbO। AbO का मतलब होता है ब्लड ग्रुप, मान लीजिए ए होता है और ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है और ब्लड ग्रुप O होता है। यानी कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो चार टाइप के होते हैं। ठीक, कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के होते हैं। आगे देखते हैं। और इसमें जो होता है ब्लड ग्रुप जो होते हैं चार टाइप के, जिसमें A पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, B पॉजिटिव भी होते हैं और B निगेटिव भी होते हैं, AB पॉजिटिव भी होते हैं, AB निगेटिव भी होते हैं, O पॉजिटिव भी होते हैं और O निगेटिव भी होते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि ब्लड ग्रुप हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप में देखा गया है कि देखिए एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए देखा गया है कि ए ब्लड टाइप आल्सो आल्सो कॉल्ड बेस्ड ऑन द प्रजेंस एंड एबसेंस ऑफ एंटीबॉडी। क्या है? प्रजेंस और एबसेंस ऑफ एंटीबॉडी एंड इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ चर्चा होता है। एक चर्चा होता है एंटी जेन और एक होता है एंटी एंटी बॉडी, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीबॉडी में क्या होता है? प्रोटीन। मतलब एंटीबॉडी में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में क्या होता है? वाई शेप में प्रोटीन बनता है। ठीक ना, जो प्रोटीन यू जो एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है। जो इसमें जो शेप जो होता है वाई शेप, मतलब प्रोटीन इसमें रिलीज होता है। और दूसरा है एंटीजन। तो एंटीजन जो होता है वो एगेंस्ट होता है, एंटीबॉडी के एगेंस्ट में क्या होता है? एंटीजन होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मेथड मेथड जो हम लोग करते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप करने के लिए। यहाँ पे दो मेथड होता है, एक होता है ट्यूब मेथड और एक होता है स्लाइड मेथड। एक होता है, एक क्या होता है? ट्यूब मेथड होता है। क्या हो गया? एक होता है ट्यूब, एक होता है ट्यूब मेथड। और दूसरा तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किस पे? स्लाइड मेथड पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कहता है कि द प्रोसीजर यूज विद द एंटीसेरा। प्रोसीजर प्रोसीजर यूज विद द एंटीसेरा। एंटीसेरा आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन। ठीक, उसके बाद है रेड ब्लड सेल प्रोसेसिंग एंटीजन विल क्लैंप इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि द प्रोसीजर यूज विद द एंटीसेरा। एंटीसेरा के मान ले कि स्लाइड है, तो स्लाइड पे जो होता है ये राउंड राउंड जो बनाएंगे इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है एंटीसेरा। इसी को बोला जाता है एंटीसेरा। अब यहाँ देखिए एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि जब एंटीसेरा बना है, तो एंटीसेरा का मतलब मान ले कि एंटीसेरा है। तो एंटीसेरा में अगर मान ले कि इसमें जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो इस टाइप का होता है। तो अगर क्लैंप होता है, मतलब क्या होता है? क्लैंप क्लैंप होता है, उसी को क्या बोला जाता है? एग्लूटिनेशन बोला जाता है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी के यानी एंटीबॉडी मतलब वाई शेप। मान ले कि यहाँ पे वाई शेप में क्या होगा? लार्ज अमाउंट में, मतलब लार्ज अमाउंट में क्या होगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक, तो इसमें जो होता है मेनली क्या होता है कि यहाँ पे RBC, अगर RBC और प्लाज्मा, तो प्लाज्मा और RBC दोनों मिलकर क्या होता है? यहाँ पे प्लाज्मा का अमाउंट क्या होता है? इसमें ज़्यादा होता है, और RBC का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। यानी कि ठीक, अब हम लोग देखते हैं कलेक्शन। तो कलेक्शन करने कलेक्शन मतलब ब्लड कलेक्शन जो है, हम लोग को ब्लड कलेक्शन चाहिए। यहाँ कैपिलरी ब्लड चाहिए और वीनस। कैपिलरी का मतलब होता है कि ब्लड क्या करेंगे हम लोग? प्रिक, यानी कि प्रिक कर का ब्लड लेंगे, उसको कैपिलरी करेंगे। और वेनस का मतलब होता है वो क्या करें हम लोग? कलेक्शन करेंगे ब्लड को। जो अगर कलेक्शन करेंगे ब्लड क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे, उसको बोलते हैं वेनस बोलेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ रिक्वायरमेंट है, यानी AbO RH करने के लिए हम लोग को कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के यहाँ देखिए दिया गया है कि 4 ग्लास स्लाइड चाहिए, 4 क्लीन ग्लास चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए।
और प्रिकिंग एपरेटस चाहिए और सिरिंज चाहिए, एंटीजन चाहिए ए जो होता है ब्लू कलर का, एंटीजन बी जो होता है येलो कलर का, एंटीजन एंटीजन जो होता है यहाँ पे सी नहीं होता, एंटीजन क्या होता है डी होता है, एंटीजन यहाँ पे क्या होगा डी होगा, वो क्या होगा कलरलेस, एंटीजन डी जो होता है क्या होगा कलरलेस होगा, और यहाँ पे चाहिए कॉटन चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए और पास्चर पिपेट, इतना सारा हम लोग को रिक्वायरमेंट चाहिए ए बी ओ अरेंज करने के लिए। देखिए यहाँ पे एंटीजन, एंटीजन देखिए ए ब्लू कलर है, एंटीजन बी येलो कलर, एंटीजन डी, एंटीजन यहाँ पर भी क्या होगा डी होगा, यहाँ पर गलती से लिखा गया, यहाँ पर क्या होगा डी होगा, एंटीजन ए जो है क्या होगा यहाँ पे एंटीजन यहाँ पे डी होगा। तो यहाँ पे देखो एंटीजन ए यहाँ पे देखो ये वाला है ब्लू कलर, एंटीजन बी देखो ये वाला है रेड कलर वाला, और एंटीजन डी जो ये क्या है ए कलरलेस, ये तीन एंटीजन है ए बी और डी। यहाँ पे देखिए प्रिकिंग, यहाँ पे प्रिकिंग एपरेटस, प्रिकिंग एपरेटस के लिए यहाँ पे देखिए क्या क्या है, लेंसेट है ठीक, यहाँ पर ये है, इसको बोला जाता है लेंसेट, इसको क्या बोला जाएगा लेंसेट बोला जाएगा, इसको प्रिकिंग नीडल, इसको क्या बोलेंगे प्रिकिंग नीडल बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रिकिंग नीडल बोलेंगे, और एक क्या है सिरिंज है ठीक। अब देखिए यहाँ पे फोर क्लीन ग्लास स्लाइड चाहिए, फोर क्लीन ग्लास स्लाइड जब होगा तो यहाँ पे देखिए अगर मान लें कि यहाँ पे करना है तो चार स्लाइड चाहिए, चार स्लाइड पे क्या करना है इसको हमको यहाँ पे मार, मतलब इसमें ऐसा इस तरह का एंटी से रहा, यानी अलग अलग क्या करना है तीन स्लाइड लेना है, तीनों स्लाइड कैसे कहाँ लेना है अलग अलग स्लाइड चाहिए, तीनों स्लाइड जो चाहिए वो क्या होगा अलग अलग स्लाइड हमको चाहिए, तीनों स्लाइड पे क्या करेंगे एंटीसेरा बना देंगे, मार्क कर देंगे, एंटीसेरा जब तीनों मार्क कर देंगे तो उसमें देखिए यहाँ पे करने के बाद आ जाए, यहाँ पे देखिए प्रिकिंग एपरेटस, यहाँ पे देखिए सिरिंज हो गया, कॉटन हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए कॉटन हो गया ठीक, और ये जो हो गया स्प्रिट हो गया, ये क्या हो गया स्प्रिट हो गया। अब रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ नॉर्मल सलाइन भी चाहिए, मान लीजिए क्या है नॉर्मल सलाइन भी चाहिए, इसको बोलते हैं पास्चर पिपेट बोलते हैं, और ये ब्लड हो गया यानी कि ई डी टी ए, ई डी टी ए क्या होगा ये ब्लड हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रोसीजर देख रहे हैं, प्रोसीजर देख रहे हैं, प्रोसीजर में क्या करेंगे फर्स्ट विद द, फर्स्ट में क्या करेंगे फर्स्ट विद द पेशेंट, पेशेंट लेफ्ट रिंग फिंगर, पेशेंट का लेफ्ट रिंग फिंगर को क्या करेंगे क्लीन विथ द स्पिट और कॉटन और स्वाब, स्पिट और कॉटन से, कॉटन क्या करेंगे स्वाब से उसको क्या करेंगे क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद प्रिक द टिप ऑफ द फिंगर, टिप पोर्शन को क्या करेंगे प्रिक करेंगे किससे वेल स्टरलाइज प्रिकिंग नीडल, स्टरलाइज प्रिकिंग नीडल को प्रिक करेंगे, और ब्लड जब फ्लो होगा फर्स्ट ड्रॉप ब्लड होगा फ्लो होगा, फर्स्ट ड्रॉप ब्लड को क्या करेंगे हम लोग विपेट कर दें वाइप कर देंगे, वाइप मतलब उसको ड्राई कॉटन से क्या करेंगे ड्राई कॉटन से उसको वाइप कर देंगे, उसका टेक टेक ड्रॉप माने सेकेंड ड्रॉप ब्लड क्या होगा टेक ऑफ टेक ड्रॉप ऑफ ब्लड इन सर्किल ए, सर्किल ए पे ब्लड रखेंगे, उसके बाद ड्रॉप ऑफ द इन द सर्किल बी पे रखेंगे, फिर क्या करोगे आयन सर्किल ऑन द सर्किल डी पे, मैंने सब पे क्या करेंगे एंटीजन ए, ए सर्किल पे बी सर्किल पे और डी सर्किल पे क्या करेंगे उसको रखेंगे, रखने के बाद क्या करेंगे रखने के बाद ग्रुपिंग स्लाइड, ग्रुपिंग स्लाइड देन वन ड्रॉप ऑफ द, अब आ जाएंगे एंटीजन, एंटीजन ए पे सर्किल ए पे रखेंगे, एंटीसेरा सर्किल बी पे रखेंगे और बी एंटीसेरा पे रखेंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे हम लोग डी एंटी, डी एंटीसेरा पे रखेंगे, यानी तीनों पे क्या करेंगे वन वन ड्रॉप एंटीसेरा, एंटीजन जो था एंटीजन ए एंटीजन बी और एंटीजन डी तीनों पे रख देंगे, रखने के बाद क्या करेंगे इसको ऑल सर्किल को क्या करेंगे मिक्स, यानी ऑल सर्किल को क्या करेंगे मिक्स करेंगे, मिक्स किससे करेंगे तो सेपरेट स्टिक से, करने के बाद क्या करेंगे उसको रोटेट करेंगे, रोटेट स्लाइड, रोटेट स्लाइड को करेंगे कम से कम 3 to 5 मिनट, कितना देर के लिए करेंगे थ्री टू फाइव मिनट के लिए उसको रोटेट करेंगे, 3 to 5 मिनट रोटेट करने के बाद क्या करेंगे उसको करने के बाद उसको रख देंगे ऐसी 15 से 20 मिनट के लिए उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, जब रिजल्ट देखेंगे तो 15-20 मिनट के बाद इसको हम लोग क्या करें रिजल्ट देखेंगे कि क्लैम्प किया है कि नहीं किया, अगर क्लैम्प करता है तो पॉजिटिव, क्लैम्प नहीं करता है तो निगेटिव। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए कि ए वाला जो है मान लीजिए
क्या है एंटी से रहा है, ए भी क्या है एंटी से रहा है, और ए भी क्या है तीनों क्या है एंटी से रहा है, तीनों क्या है एंटी से रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला जो है क्या किया है, क्लैंप किया है, यानी कि ए वाला जो क्या किया है क्लैंप किया है, और बी क्या है क्लैंप नहीं किया, यानी कि क्या है नो क्लैंप, और डी भी क्या है ए भी क्या है नो क्लैंप। तो यहाँ पे देखिए अगर डी वाला अगर क्लैंप करता है तो पॉजिटिव कहलाए, तो यहाँ पे देखिए ए क्लैंप किया है बी और डी नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए निगेटिव हो जाएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए दूसरा में क्या किया है ए जो है वो क्लैंप नहीं किया है, यानी कि नो क्लैंप है। बी वाला जो है वो क्या किया है क्लैंप किया है, बी वाला क्या किया है वो क्लैंप किया है, और डी भी क्या किया है वो भी क्या किया क्लैंप किया है। तो यहाँ पे देखिए पहला ए क्लैंप नहीं किया, बी किया है और डी किया, तो बी किया है तो बी लिख देंगे, और क्लैंप डी किया है तो डी का काम डी क्या होता है आर एच फैक्टर है, यानी कि वो क्या बताता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए क्लैंप किया है तो पॉजिटिव है, तो क्या हो गया बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ये हो गया। तीसरा एक एग्जाम्पल बता रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या किया है ए वाला क्या किया ए भी क्या किया है क्लैंप किया है, और ए भी किया है और बी भी किया है और क्या हुआ डी भी किया, यानी तीनों क्या क्या है क्लैंप किया है। तो मान लो देखिए ए क्लैंप किया बी क्लैंप किया, तो दोनों के लिख दिए ए बी, और यहाँ डी के देखिए क्लैंप किया कि नहीं था, डी वाला भी क्या किया क्लैंप किया, तो क्या होगा ए बी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल देखिए क्या किए हैं, चौथा एग्जाम्पल है कि ए वाला क्लैंप किया है, ए क्लैंप किया है और बी क्लैंप नहीं किया है, और डी वाला भी क्या डी क्या है क्या ए भी क्लैंप किया है, तो यानी कि ए क्या किया है क्लैंप नहीं, ए क्लैंप नहीं किया है, ए क्लैंप किया है और ए क्लैंप किया है, तो क्या यहाँ पे क्या है ए है तो ए लिख देंगे, और क्लैंप किया है कौन डी, तो ए पॉजिटिव, ए क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव। ये समझ गए हैं। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्लियर इस स्लाइड में देखिए इसमें क्लियर है, यहाँ पे देखिए ए क्या क्या है क्लैंप किया हुआ है, तो क्लैंप किया कौन ए, बी क्लैंप किया है नहीं किया तो बी छोड़ देंगे, अब देखिए डी क्लैंप किया है तो डी क्लैंप किया है, तो क्लैंप किया है तो पॉजिटिव हो गया। अगर बाई चांस मान लिया जाए कि ए क्लैंप किया है और बी भी क्लैंप नहीं कर रहे और डी भी नहीं क्लैंप कर रहे, तो क्या हो जाएगा ए निगेटिव हो जाए। अब देखिए आठों निगेटिव आठों जो फैक्टर है बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए आठों फैक्टर यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए एंटी ए एंटी बी एंटी डी और कलरलेस है। तो यहाँ पर देखिए कि ए जो है नॉर्मल है ठीक, अब ये मान लें कि यहाँ मान लें कि ए कंट्रोल है, तो कंट्रोल है ठीक है कंट्रोल है, तो कंट्रोल को यहाँ पे क्या करते हैं कुछ देर के लिए कंट्रोल को उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एंटी ए है और एंटी बी है और एंटी क्या है डी है। देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, मान लें यहाँ पे कलर पिंक ये कलर ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए क्या किया है कि ए क्लैंप किया है नहीं किया है, बी क्लैंप किया नहीं किया, डायरेक्ट क्या है डी क्लैंप किया, जब डी क्लैंप करेगा तो क्या होगा पॉजिटिव होता है, देखो क्या हुआ वो पॉजिटिव हुआ। इसमें देखिए ना ए क्लैंप किया ए भी ना ए क्लैंप किया है ना बी क्लैंप किया है ना डी किया है, तीनों में कोई क्लैंप नहीं किया, जब तीनों में कोई क्लैंप नहीं करेगा क्या होगा वो निगेटिव होगा। आप यहाँ देखिए ए क्लैंप किया बी किया नहीं किया डी किया है, तो ए क्लैंप किया तो ए हो गया, और आर एच फैक्टर है तो आर एच फैक्टर क्लैंप किया है तो क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या होगा ए पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखिए ए क्लैंप किया है एक, देखिए ए क्लैंप किया है बी किया है डी किया नहीं किया, तो सिर्फ ए किया है तो मान लो कि ए लिख दिया, ना बी किया है ना आर एच फैक्टर भी नहीं किया, तो ए क्या हो जाएगा निगेटिव हो गया। यहाँ पे देखिए बी भी क्लैंप किया और डी भी क्लैंप किया तो बी पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्या बी क्लैंप किया डी क्लैंप किया नहीं, तो बी क्लैंप किया और डी आर एच फैक्टर क्लैंप नहीं किया तो निगेटिव हो गया। यहाँ पे ए बी और डी, ए बी भी क्लैंप किया है बी भी किया और डी भी किया, यानी तीनों किया है तो ए बी पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए क्लैंप ए क्लैंप किया है और बी भी क्लैंप किया है, तो क्या हो जाएगा ए बी निगेटिव हो गया, यानी आर एच फैक्टर क्लैंप नहीं किया, आर एच फैक्टर अगर क्लैंप करेगा तो पॉजिटिव हुआ, क्लैंप नहीं करेगा तो निगेटिव किया। अब यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ कि एक होता है, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यहाँ पे चारों है, यानी कि इसमें आपका ब्लड टाइप एक होता है, तो इसमें क्या हुआ देखिए इसमें से एक एग्जांपल दे दिया गया, तो इसमें क्या है नॉट वैलिड, नॉट वैलिड का मतलब होता है कि सब के सब क्या हो क्लेम कर गया, यानी कंट्रोल भी क्या है कंट्रोल भी लगा है तो कंट्रोल भी क्या हुआ
अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए सुंदर टेक स्टडी में जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके वीडियो देख